कलकत्ता में बुर्रा बाजार की गलियों से ऑल ओवर इंडिया की फाइनेंशियल नर्वस सेंटर्स में एक फ्लरिशिंग इंडस्ट्रियस कम्युनिटी बनने तक का सफर मारवाड़ीज ने बखूबी तय किया है। इसमें कोई शक नहीं कि मारवाड़ीज को आज उनके टैलेंट और बिजनेस माइंडसेट के लिए जाना जाता है। दोस्तों, मारवाड़ी कम्युनिटी ने समय समय पर एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया है, फिर चाहे वो फेमीन के कारण हो या लोकल बिजनेस के कारण या किसी मुगल या राजपूत एम्पायर में व्यापार संभालने के लिए बुलाए जाने पर। समय के साथ मारवाड़ी कम्युनिटी ने अपने बिजनेस इक्विपमेंट की मदद से ऑल ओवर इंडिया अलग अलग तरह के बिजनेसेस रन किए और उन पे सक्सेस और वेल्थ हासिल की। और शायद इसी वजह से लोग कहने लगे, जहां ना पहुंचे रेलगाड़ी वहां पहुंचे मारवाड़ी। कभी ये लोग ट्रेडर्स बन जाते हैं, कभी मनी लेंडर्स, कभी फाइनेंशियर्स तो कभी बैंकर्स। जहां मुगल और राजपूत एम्पायर में ये लोग व्यापार संभाला करते थे, वहीं कुछ प्रिंसली स्टेट्स में ये मारवाड़ीज बैंकर्स का भी रोल प्ले किया करते थे। आज भी इंडिया में 10 में से 6 कंपनीज मारवाड़ियों द्वारा ही को फाउंड की गई हैं, जिसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं विप्रो, अंबुजा सीमेंट, रेमंड, सीएट टायर्स, टाइम्स ग्रुप, एचटी मीडिया, डीबी कॉर्प, बिरला ग्रुप एक्सेट्रा। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मारवाड़ी कम्युनिटी के ऑरिजिन और साथ ही साथ जानेंगे उन ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को जिसके चलते आज ये कम्युनिटी इंडिया के बिजनेस सेक्टर में अपनी डोमिनेंस बना चुकी है। इस डिस्कशन का मकसद आपके साथ मारवाड़ी बिजनेस कल्चर के उन पहलुओं को साझा करना है जिसकी मदद से इस कम्युनिटी ने बिजनेस वर्ल्ड में अपनी अलग पहचान बनाने में कामयाबी हासिल की है। तो बिना किसी देर के आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सबको बहुत बड़ा शुक्रिया कि आपने स्टडी आईक्यू की पहली किताब फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी को शानदार रिस्पांस देते हुए यूपीएससी कैटेगरी में बेस्ट सेलर बना दिया। और आपके इसी रिस्पांस की सराहना करते हुए स्टडी आईक्यू लेके आया है इंडियन ज्योग्राफी पे अपनी नई किताब, जिसको स्पेशली डिजाइन किया गया है यूपीएससी, सीएसई और बाकी के स्टेट एग्जाम्स के लिए। इस बुक के स्पेशल फीचर्स की बात की जाए तो अराउंड 200 मैप्स और डायग्राम्स यूज किए गए हैं बेहतर क्लैरिटी और अंडरस्टैंडिंग के लिए। क्विक रिवीजन के लिए टेबल फॉर्म में नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, रियल लाइफ एग्जांपल की केस स्टडीज और भी बहुत कुछ है जो इस बुक को बनाता है आपकी यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए बेस्ट चॉइस। तो दोस्तों, आज ही घर बैठे ऑर्डर करिए फ्लिपकार्ट और अमेजोन से इंडियन ज्योग्राफी पे स्टडी आईक्यू की शानदार किताब। लिंक्स आपको पिंड कमेंट में मिल जाएंगी। दोस्तों, 1916 में पब्लिश हुई आरवी रसल की बुक ट्राइब्स एंड कास्ट ऑफ सेंट्रल प्रोविंस ऑफ इंडिया, ये बताती है कि मारवाड़ी एक ऐसे इंडियन एथनिक ग्रुप का नाम है जो बेसिकली राजस्थान के मारवाड़ रीजन से ऑरिजिनेट हुए। जहां आज जोधपुर, बमेर, पाली और जगोर है, उस रीजन को पहले मारवाड़ कहा जाता था और यहीं से आने वाले लोगों को मारवाड़ी के नाम से जाना गया। आज खंडेलवाल्स, ओसवाल्स, अग्रवाल्स और महेश्वरीज कुछ ऐसी कम्युनिटीज हैं जिन्हें मारवाड़ी कहा जाता है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि द्विजेंद्र त्रिपाठी और एन ए हार्डग्रोव जैसे एक्सपर्ट्स का कहना है कि इन कम्युनिटीज को मारवाड़ी सिर्फ तभी कहा गया जब उन्होंने एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया। गंगा यमुना ट्रेड रूट के पास होने के कारण मारवाड़ीज के लिए माइग्रेट करना बाकी कम्युनिटीज से कंपैरेटिवली इजी था। इसके अलावा नदन इंडिया के रूलर्स द्वारा मारवाड़ीज को अपने राज्यों में बुलाया जाना और उन्हें राज्य की बैंकिंग और फाइनेंस संभालने की जिम्मेदारी देना इस माइग्रेशन का कारण बना। इस रॉयल सपोर्ट के कारण मारवाड़ी कम्युनिटी और उनकी फर्म्स नदन मार्केट में अपनी डोमिनेंस बढ़ाने में कामयाब हुई। दोस्तों, 17th सेंचुरी इसका कारण था रीजन में दो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स का इंटरसेक्ट होना। इनमें से एक रूट मुगल कैपिटल आगरा को कांधार से जोड़ता था तो दूसरा आगरा को अहमदाबाद से। यदि हम इतिहास के पन्ने पलट कर देखें तो हमें पता चलेगा कि कांधार पे मुगल और सफाविद्स दोनों डायनेस्टीज ने अलग अलग समय पे रूल किया। इन टेरिटोरियल एम्पायर्स के बीच बने ट्रेडिंग रूट्स को कंट्रोल और फ्लो में रखने वाले मारवाड़ीज ही थे और इनमें से कई लोगों ने तो मुगल्स कोर्ट में काम भी संभाला। एग्जाम्पल के तौर पर हम राजा तोदरमल को देख सकते हैं, ये भी एक मारवाड़ी थे जिन्हें अकबर ने मुगल एम्पायर का मुशरफी दीवान यानी फाइनेंस मिनिस्टर बनाया था। यही नहीं, कुछ राजपूत स्टेट्स भी मारवाड़ीज को उनके हुनर की वजह से एज अ मर्चेंट एंड ट्रेडर रिक्रूट किया करते थे। ऐसे रॉयल पैट्रोनेज के साथ थोड़े ही समय में मारवाड़ी बिजनेस कम्युनिटी अपनी ह्यूज कमर्शियल प्रेजेंस एस्टैब्लिश करने में कामयाब हुई। आज देखते ही देखते 19th सेंचुरी तक ईस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया में मारवाड़ी कम्युनिटी बाकी ट्रेडिंग ग्रुप्स को रिप्लेस कर चुकी थी। दोस्तों, वेल नोन ब्रिटिश ऑफिशियल एंड राइटर कॉलोनल टॉयड ये बताते हैं कि मारवाड़ीज के लार्ज स्केल इन्फ्लक्स से पहले भी कलकत्ता के बुर्रा बाजार में 1832 के दौरान 9 out of 10 ट्रेडर और बैंकर्स मारवाड़ से थे।
इसके पीछे का कारण है पैक्स ब्रिटेनिया के दौरान ब्रिटिश कमर्शियल एंड लीगल कोर्ट्स की तरफ ट्रेडर्स का अट्रैक्ट होना, जहां इससे पहले ट्रेडर्स मुगल एम्पायर और पोस्ट मुगल रीजनल स्टेट्स में अनसेटलिंग कंडीशंस फेस कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर ब्रिटिश राज द्वारा लाई गई न्यू ट्रेड पॉलिसीज उन्हें काफी प्रॉफिटेबल लगने लगी थीं। इसी को देखते हुए मारवाड़ीज 1835 से 1850 के दौरान बॉम्बे और कलकत्ता माइग्रेट होने लगे और समय के साथ मारवाड़ीज लोकल ट्रेडिंग कम्युनिटीज के इम्पोर्टर मेंबर बनने लगे। मारवाड़ीज ग्रेजुअली सेंट्रल इंडिया और महाराष्ट्र में एक्टिव होने लगे थे और यहाँ उन्हें साहूकार्स या मनी लेंडर्स और इनलैंड ट्रेड ब्रोकर भी कहा जाने लगा। हिस्टोरियन मेधा एम कुदेसिया ये बताती हैं कि ब्रिटिश राज के दौरान मारवाड़ी ट्रेडिंग से शिफ्ट होकर इंडस्ट्रियल कॉन्ग्लोमरेट्स भी बनने लगे थे। इसका एग्जाम्पल हम 1920s में देख सकते हैं, जब वर्ल्ड वॉर वन के बाद मारवाड़ीज इंडियन जूट इंडस्ट्री से ब्रिटिश मोनोपोली धीरे धीरे खत्म करने लगे। जूट इंडस्ट्री के बाद मारवाड़ीज ने कॉटन और शुगर इंडस्ट्री को एक्सपेंड करने का प्रयास किया। यही कारण है कि ईयर 1950 तक मारवाड़ीज इंडियन प्राइवेट इंडस्ट्रीज में अपने डोमिनेंस बना चुके थे। दोस्तों 1930s के दौरान मारवाड़ीज अपने बिजनेस को कॉमोडिटीज और टेक्सटाइल से इंजीनियरिंग, केमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में डाइवर्सिफाई कर रहे थे। 1947 में स्टार्ट हुए कुछ मारवाड़ी वेंचर्स लिबरलाइजेशन को सर्वाइव करते हुए 1990s में भी बने रहे। एग्जाम्पल के तौर पे बिरला ग्रुप, गोइनका या फिर बजाज, ये ग्रुप्स कार्स, एल्यूमिनियम, टायर्स, सीमेंट, हैवी केमिकल्स, अप्लायंस और स्टील के बिजनेस में अपने पैर जमा चुके थे। गुरुचरण दास बताते हैं कि जहां फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के एंड तक मारवाड़ीज इंडिया के इनलैंड ट्रेड को कंट्रोल कर रहे थे, वहीं 1970 आते आते मारवाड़ीज इंडिया के प्राइवेट इंडस्ट्रियल एसेट्स पर भी अपने डोमिनेंस बना चुके थे। लेकिन इस पूरी जर्नी को देख सोचने वाली बात यह है कि आखिर ऐसी कौन सी बिजनेस स्ट्रेटजी है जिसकी मदद से मारवाड़ीज ने बिजनेस वर्ल्ड में ये मुकाम हासिल किया है। आइए समझते हैं अगले सेक्शन में। दोस्तों ऑथर थॉमस ए टिम्बर्ग ने अपनी बुक द मारवाड़ीज फ्रॉम जगत सेठ टू बिरलाज में मारवाड़ीज की कुछ ऐसे ट्रेड्स का खुलासा किया है जिसकी वजह से आज ये कम्युनिटी इतनी सक्सेसफुल है। टिम्बर्ग से जब पूछा गया कि मारवाड़ीज के इतने सक्सेसफुल होने का क्या कारण है, तो उन्होंने बताया कि बिजनेस वर्ल्ड उन्हीं को रिवॉर्ड देता है जिनमें रिस्क लेने की क्षमता हो, और मारवाड़ीज के सबसे इम्पोर्टेंट ट्रेड उनका फ्लेक्सिबल माइंड, रिस्क टेकिंग एटीट्यूड और एबिलिटी को अडॉप्ट करना ही है जिसके कारण आज ये कम्युनिटी इतनी ज्यादा सक्सेसफुल है। इन्हीं कुछ ट्रेड्स में सबसे पहली और इम्पोर्टेंट ट्रेड है मनी मैनेजमेंट। दोस्तों मारवाड़ी ग्रुप्स बेसिकली दो चीजों पे सबसे ज्यादा फोकस करते हैं, स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड्स और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग ऑफ द एंटरप्राइजेस इन विच दे हैव अ शेयर। कहा जाता है कि मारवाड़ी बिजनेसमैन इस बात का बहुत ख्याल रखता है कि उसकी जेब में पड़े 100 रुपए के नोट को भी वो ऐसी जगह इन्वेस्ट करे जहां से अच्छी प्रॉफिट मिले। ऑथर कृतिका परवाल अपने आर्टिकल द सीक्रेट 5 इनकम रूल ऑफ मारवाड़ीज में लिखती हैं कि ये मारवाड़ी इंश्योर करते हैं कि वो अपने कैपिटल को पहले उस बिजनेस में इन्वेस्ट करें जहां से उसे पैसिव इनकम मिले, इसके बाद वो अपने कमाए हुए कैपिटल को रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करते हैं जहां से उन्हें मंथली रिटर्न भी मिलता रहे और फ्यूचर के लिए उनके पास एक सिक्योर एसेट भी क्रिएट हो जाए। उसके बाद ये अपनी इनकम को अपने सोशल नेटवर्क में इन्वेस्ट करते हुए रिसोर्सेज शेयर करते हैं जिससे इनके रिलेशंस और भी अच्छे हो जाते हैं और साथ ही एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी भी बिल्ड होती है। दोस्तों मारवाड़ीज आपस में एक दूसरे के स्टार्टअप और बिजनेसेस में कुछ शेयर्स के बदले उन्हें फाइनेंशियल बूस्ट प्रोवाइड करते हैं और यही कारण है कि एक मारवाड़ी बिजनेस के सक्सेसफुल होने से बाकी मारवाड़ीज भी प्रॉफिट कमा पाते हैं। यही कारण है जिसकी वजह से मारवाड़ीज अपने स्ट्रॉन्ग फैमिली टाइज के लिए भी जाने जाते हैं। दूसरी एक ट्रेड जो मारवाड़ी बिजनेसमैन में दिखती है वो है क्लोज मॉनिटरिंग ऑफ द बिजनेस ऑब्जेक्टिव्स, फाइनेंस एंड अकाउंटिंग। दोस्तों एक्सपर्ट्स का कहना है कि मारवाड़ी कम्युनिटी अपने बिजनेस में सबसे ज्यादा फाइनेंस और अकाउंटिंग पे ध्यान देती है। कई सोर्सेज ये बताते हैं कि आदित्य बिरला ग्रुप आज भले ही अपनी सबऑर्डिनेट कंपनीज को ट्रेमेंडस फ्रीडम और पावर देती है, लेकिन फाइनेंस और अकाउंटिंग ऑपरेशंस आज भी सेंट्रली मॉनिटर किए जाते हैं। दोस्तों ये ट्रेड दूसरे सक्सेसफुल बिजनेसेस में भी देखी जाती है। विलियम थ्रॉन्डिके की बुक द आउटसाइडर्स जो वर्ल्ड के टॉप 8 बिजनेसेस के बारे में बताती है, उसमें भी सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल ऑफ फाइनेंसिंग एंड अकाउंटिंग को एक इम्पॉर्टेंट बिजनेस ट्रेड बताया गया है। खैर आइए अब बात करते हैं थर्ड ट्रेड की जो मारवाड़ी बिजनेस कम्युनिटी में कॉमन है, वो है पार्सिमनी एंड फ्रुगैलिटी। ये तो हम सभी जानते हैं कि मारवाड़ी कम्युनिटी राजस्थान के डेजर्ट से ओरिजिनेट हुई और उन्होंने समय के साथ एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किया।
दोस्तों किसी माइग्रेशन के साथ अनेक चैलेंजेस भी आते हैं, जिसमें सबसे प्रोमिनेंट है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी। जब मारवाड़ीज नई लोकेशंस पर शिफ्ट हो रहे थे तो वो अपने बेसिक नीड्स और ऑपरेशंस को थोड़ा श्रिंक कर लेते थे, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा पैसों को बिजनेस डेवलपमेंट के लिए लगाया जा सके। अपनी इस फ्रुगैलिटी की मदद से मारवाड़ी कम्युनिटी हार्ड इकोनॉमिक कंडीशंस में भी सर्वाइव कर पाती थी। लेकिन इसके अगेंस्ट ये भी देखा गया है कि भले ही मारवाड़ीज कितना भी सोच समझकर पैसे खर्च क्यों ना करें, जब बात सोशल सेरेमनीज या गैदरिंग्स की आती है तो ये लोग सबसे ज़्यादा खर्च करते हुए देखे जाते हैं। इस बात से ये जाहिर होता है कि मारवाड़ीज के लिए उनकी फैमिली और सोशल रिलेशंस कितने प्रायर होते हैं। दोस्तों इन सब के बाद सबसे बड़ी और कॉमन ट्रेड जो मारवाड़ीज में देखी जाती है वो है अडैप्टेबिलिटी एंड अपॉर्चुनिज्म। जैसा कि हमने डिस्कस किया, 16th और 17th सेंचुरी के समय इंडिया के सारे इनलैंड ट्रेड मारवाड़ीज द्वारा मैनेज किए जाते थे, और ब्रिटिशर्स के आने के बाद मारवाड़ीज उनके प्रेफर्ड बिजनेस पार्टनर्स भी बनने लगे थे। इस दौरान ब्रिटिश ऑफिसर्स के क्रूशल अकाउंट्स और इनके बिजनेसेस मारवाड़ीज द्वारा ही मैनेज किए जाते थे। इंग्लिश कंपनीज के साथ मारवाड़ी कम्युनिटी भी सेंट्रल इंडिया और ईस्टर्न इंडिया की ओर ट्रैवल करने लगी और उनके पैन इंडिया बिजनेस को हैंडल करने लगी। लेकिन दोस्तों यहाँ ये बात ऑब्जर्व करने वाली है कि जो कम्युनिटी केवल ट्रेड्स हैंडल करती थी, वो बिना किसी गाइडेंस या एक्सटर्नल लर्निंग के बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज भी संभालने लगी। इससे ये जाहिर होता है कि मारवाड़ीज अपने एक्सपीरियंस और बिजनेस एक्यूमेंट के चलते अपने आप को किसी भी इन्वायरमेंट में अडेप्ट करना बखूबी जानते थे। मारवाड़ीज ने समय के साथ ये प्रूव किया है कि उनके पास अपॉर्चुनिटीज का इस्तेमाल करते हुए खुद को सिचुएशन के हिसाब से ढालना अच्छे से आता है। एग्जाम्पल के तौर पे यदि बात करें बिरलास की, तो आपको बता दें कि आज ये उनकी 7th जनरेशन है जो इंडिया में बिजनेस ऑपरेशंस को सक्सेसफुली रन कर रही है। इस फैमिली ने रूलर्स को भी सर्व किया है और कई सोशल और इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन में अपने आप को अडाप्ट किया है। जहां बिरलास ने अपने बिजनेस की शुरुआत जूट इंडस्ट्री से की थी, वहीं आज वो 14 डिफरेंट सेक्टर्स में इंडस्ट्रीज एस्टैब्लिश कर चुके हैं। मारवाड़ीज के बिजनेस को अगर हम टाइमलाइन से ऑब्जर्व करें तो हम देख पाएंगे कि समय के साथ मारवाड़ीज ने कम्युनिटीज से हटकर अप्लायंसेस, टेक्नोलॉजी और सर्विसेज में भी प्रोग्रेस और सक्सेस हासिल की है, जो उनके अडैप्टिव नेचर को बखूबी रिफ्लेक्ट करता है। दोस्तों अगर हम आज की बात करें तो मारवाड़ीज इंडिया की मोस्ट सक्सेसफुल एंड वेल्दियस्ट बिजनेस कम्युनिटीज में से एक है, जो मेजर फाइनेंशियल पोजीशन होल्ड करते हैं। मारवाड़ीज आज सिर्फ मुंबई, कैलकटा या दिल्ली में ही नहीं, बल्कि ऑल ओवर इंडिया में अपनी एमिनेंट पोजीशन और स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बना चुके हैं। इंडियन स्टॉक मार्केट के कुछ बड़े नाम जैसे राधाकृष्णन धमानी, जिन्हें मैन बिहाइंड डीमार्ट भी कहा जाता है, और राकेश झुंझुनवाला, जो कि बिग बुल के नाम से जाने जाते हैं, ये सारे मारवाड़ी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। और सिर्फ यही नहीं, फ्लिपकार्ट के को फाउंडर सचिन और बिनी बंसल, मिंत्रा के को फाउंडर मुकेश बंसल, लेंसकार्ट के को फाउंडर पीयूष बंसल, जोमैटो के को फाउंडर दीपेंदर गोयल, ओला, शॉपक्लूज, स्नैपडील, ओयो, इन सभी कंपनीज के को फाउंडर्स मारवाड़ीज कम्युनिटी से ही बिलोंग करते हैं। और ये सब तो सिर्फ न्यू जनरेशन के पार्ट हैं। इनसे पहले बजाज ऑटो ग्रुप, अल्ट्राटेक सीमेंट, बिरला ग्रुप, जी इंडस्ट्रीज, सीएट टायर्स, जेके सीमेंट और रेमंड जैसी बड़ी कंपनीज मारवाड़ीज द्वारा ही को फाउंड की गई हैं। इन नामों के बाद शायद ही आपको मारवाड़ीज के प्रेजेंस के बारे में और कुछ जानने की जरूरत पड़े। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने जाना कि मारवाड़ीज कहां से ओरिजिनेट हुए और किस तरह समय समय पर उन्होंने अपने बिजनेस एक्यूमन की मदद से अपनी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस बनाए रखी। फिर चाहे मुगल्स हो या राजपूत या फिर ब्रिटिशर्स, सबने ही मारवाड़ीज के हुनर को और उनकी काबिलियत को बखूबी पहचाना। आज भी स्टार्टअप एरा में आधे से ज्यादा स्टार्टअप्स मारवाड़ीज द्वारा ही को फाउंड किए गए हैं, जो उनकी अडैप्टेबिलिटी और एपेटाइट फॉर रिस्क को दर्शाते हैं। लेकिन कई एक्सपर्ट्स जैसे गीता पीरामाला, जो खुद एक मारवाड़ी फैमिली से बिलोंग करती हैं, उनका मानना है कि मारवाड़ीज धीरे धीरे अपना बिजनेस एक्यूमन लूज कर रहे हैं। अपनी बुक बिजनेस महाराजाज में गीता बताती हैं कि 25 मारवाड़ी फर्म्स में से सिर्फ 13 ही ऐसी हैं जो सक्सेसफुल हैं, बाकी के 12 सिर्फ कैपिटल डिस्ट्रक्ट कर रहे हैं। गीता का मानना है कि मारवाड़ीज भले ही एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटीज हैं जो आपस में कैपिटल एंड रिसोर्सेज शेयर करती हैं, लेकिन आज के इंडस्ट्रियल एरा में बिजनेस रन करने के लिए लाइक माइंडेड और स्मार्ट लोगों के नेटवर्क की जरूरत है, ना कि सिर्फ सेम कास्ट की। उन्होंने कुछ स्टैटिस्टिक्स साइड करते हुए कहा कि वर्ल्ड वाइड 40% फैमिली ओन्ड बिजनेसेस पहले 5 साल में ही बंद होने लगते हैं, और कुछ 66% तो पहले ही साल में खत्म हो जाते हैं, या फैमिलीज फर्स्ट जनरेशन में ही कंट्रोल लूज करने लगती हैं। सिर्फ 17% ही ऐसे होते हैं जो थर्ड जनरेशन तक
चल पाते हैं। गीता का मानना है कि मारवाड़ी कम्युनिटीज को अपने बिजनेस ऑपरेशंस एंड फंडामेंटल्स में कुछ चेंजेस लाने की जरूरत है, लेकिन इन थ्रेट्स के बावजूद आज भी हम ये कह सकते हैं कि आने वाले लंबे समय तक इंडियन बिजनेस मार्केट में मारवाड़ीज की डोमिनेंस बनी रहेगी। तो इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि मारवाड़ी कैसे अपने फैमिली कल्चर की रिस्पेक्ट करते हैं और कैसे अपने मनी को एंजॉय करने से पहले इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं। आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।